Hey there, this is Kushal, and in this video we are going to discuss an example of a recycling robot. Okay, so we will discuss about recycling robot. Okay, and we will try to understand the finite Markov decision process, transition probability. ये सारी terms हम इससे समझेंगे. This example is also being discussed in the book, which is by Mr. Richard Sutton. You can also verify that. Okay, so let's start with this. So अगर मैं यहाँ से इस text को read करना शुरू करूँ, so it says a mobile robot has the job of collecting empty soda cans in an office environment. Okay, it has sensors for detecting cans and an arm and a gripper that can pick them up and place them in an onboard bin. मतलब इनके कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, वैसे मैं धीरे धीरे बोल रहा था. सो वी हैव अ रोबोट. ओके, उसका काम क्या है, उसको कैंस को पिक करना है और एक डस्टबिन में डालना है, राइट. ये कैंस जो वो पिक करेगा, वो करेगा यूजिंग आर्म्स एंड ग्रिपर्स विच इट हैज इन बिल्ट. ओके, अब यहाँ पे द रोबोट्स, रोबोट का जो सिस्टम है अंदर, जो भी उसको कंट्रोल कर रहा है, जो भी आर्डुइनो या रास्पबेरी पाई या जो भी एक कंट्रोल सिस्टम उसमें लगाया हुआ है, वो चीज़ बेसिकली हैज कंपोनेंट्स फॉर यू नो फॉर नेविगेटिंग एंड फॉर कंट्रोलिंग. सो ये जो सारा काम है नेविगेशन वगैरह का, ये सब उसमें फिट है. ओके, अब इसके अंदर डिसीजंस कैसे हो सकते हैं, इसमें क्या दो तरीके के डिसीजंस होंगे. एक तो होंगे हाई लेवल डिसीजंस HLDs, और एक होंगे लो लेवल डिसीजंस LLDs. हाई लेवल डिसीजंस मतलब दोज आर एब्स्ट्रैक्ट डिसीजंस. एब्स्ट्रैक्ट से मेरे कहने का मतलब है कि ये डिसीजंस जो होंगे, लाइक दीज डिसीजंस आर लाइक टेकिंग लेफ्ट राइट, पिकिंग अप अ कैन, ड्रॉपिंग अ कैन. लो लेवल डिसीजन मतलब इस मोटर में इतना पावर दिया, वो मोटर उतना घूमा, लाइक मोर ऑन द बेसिक साइड, राइट. तो यहाँ पे हाई लेवल डिसीजंस अबाउट हाउ सर्च फॉर कैन्स आर मेड बाय रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट बेस्ड ऑन द करंट चार्ज लेवल ऑफ द बैटरी. तो मतलब बेसिकली इसमें मैं आपको अगर मोटा मोटा समझाऊँ, तो इसके पास क्या है, इस एजेंट के पास जो स्टेट्स हैं, एजेंट के पास दो स्टेट्स हैं. ओके, स्टेट्स हैं दो, या तो उसकी बैटरी हाई है या उसकी बैटरी लो है. आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर 50% से कम है तो वो कैटेगराइज होगी लो के अंदर, 50% से ज्यादा है तो वो कैटेगराइज होगी हाई के अंदर. ओके, इन ईच स्टेट, मतलब हाई और लो स्टेट के अंदर, एजेंट को डिसाइड करना है वेदर टू, अब हम एक्शंस की बात कर रहे हैं कि क्या एक्शंस ले सकते हैं. सो एक्शंस को यहां लिखते हैं कि इन ईच स्टेट द एजेंट हैज टू डिसाइड वेदर टू एक्टिवली सर्च फॉर अ कैन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. मतलब जब तक नहीं मिल जाता रोबोट, तो सबसे पहला क्या एक्शन है, सर्च फॉर अ कैन. ओके, सेकेंड एक्शन है रिमेन स्टेशनरी एंड वेट फॉर समवन टू ब्रिंग इट अ कैन. रिमेन स्टेशनरी, तो इसको RSS बोल लेते हैं, रिमेन स्टेशनरी एंड समबडी, यू नो कोई आता है तो वो कैन आपको देके जाए, या फिर इसको हम वेट भी बोल सकते हैं. ठीक है, वेट वाला ये एक्शन है. इसके बाद में द थर्ड एक्शन इज हेड बैक टू इट्स होम बेस टू रिचार्ज इट्स बैटरी. थर्ड एक्शन इज बैक टू बेस टू रिचार्ज. ओके, टू रिचार्ज. उसके बाद में व्हेन एनर्जी लेवल इज हाई, सो रिचार्जिंग वुड बी ऑलवेज हाई, तो वो दोबारा रिचार्ज नहीं करेगा, तो हम उस वाले के अंदर ये इंक्लूड नहीं करेंगे. सो बेसिकली यहाँ पे दोनों स्टेट्स के लिए एक एक एक्शन सेट बन गया है. तो इन्होंने वो बता रखा है कि भाई एक्शंस फॉर हाई स्टेट, क्या क्या हाई स्टेट के एक्शन हो सकते हैं. दो काम कर सकता है जब बैटरी लेवल हाई है, या तो वो सर्च कर सकता है या वेट कर सकता है. हाई में वो रिचार्ज तो करेगा नहीं दोबारा. ओके, सेकेंड इज एक्शन ऑफ लो. इसमें ये क्या कर सकता है, या तो ये सर्च कर सकता है, वेट कर सकता है, या रिचार्ज कर सकता है. मतलब सर्च ऐसे कि भाई मान लो ज्यादा लो नहीं है, 40% पे है, सो दैट डिसीजन कैन बी टेकन. सो यहाँ पे क्या है, सर्च, वेट एंड, तो ये तीन एक्शंस हैं लो स्टेट के लिए. सो देयर इज एन There are some state action pairs. के भी high है तो ये state action pairs, state action के combinations है. यहाँ पे क्या इन्होंने बोला है, अब ये लोग बात करने जा रहे हैं rewards के बारे में, and they are saying rewards are zero most of the time. Most of the time rewards are zero. के भाई most of the actions में reward मिलता है zero, but become positive when robot secures an empty can. तो reward ये लोग किस पे दे रहे हैं, positive reward किस पे दे रहे हैं,
कैन सिक्योर करने पे प्लस वन रिवॉर्ड मिल रहा है. ओके एंड इसके बाद क्या है, और एक नेगेटिव रिवॉर्ड मिलता है अगर बैटरी डिप्लीट हो जाए तो. नेगेटिव रिवॉर्ड किस में मिल रहा है, बैटरी पूरी अगर खत्म हो गई. क्योंकि एक बात बताओ, अगर रोबोट की बैटरी खत्म हो गई दैट मीन्स रोबोट इज डेड. अगर वो डेड हो गया तो उसको डिसीजन ले सकता, कुछ नहीं ले सकता. तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो हमें कंट्रोल करनी है कि वो इस स्टेट में ना जाए. तो हमें उस पर उसको नेगेटिव एक्शन नेगेटिव रिवॉर्ड देना है और कैन कलेक्ट करना इज आर मेजर गोल. तो उसमें पॉजिटिव रिवॉर्ड देना है. ओके इसके बाद में now we can create that state transition probability वाला diagram which is you know which जो आपको almost हमेशा हर MDP में करना पड़ेगा when you will be solving any RL problems using MDPs or finite MDPs. तो अब हम वो diagram इसके बाद में discuss करेंगे. ठीक है, तो उसी diagram के बाद में मैं आपको समझा पाऊंगा कि what actually is happening here. okay so guys ये diagram कैसे बनाते हैं, you have to list down in circles all of your states. okay so यहाँ पे हमारे पास दो states हैं, एक तो हमारी battery high है, okay एक हमारी battery low है. हमारे पास दो states हैं, high और low. ठीक है, अब इन states में क्या हो सकता है, अगर high state के अंदर वो wait करता है, action कौन सा लेना है, wait करने का. तो यहाँ मैंने एक dot लगाया और मैंने लिखा wait. ठीक है, ये वेट करने के बाद क्या हो सकता है, वापस वेट करने में उसको कहीं जाना तो नहीं पड़ रहा, तो ये वापस इसी स्टेट में आ जाएगा. ओके वेट करने में ना उसकी कोई बैटरी खत्म हो रही, बैटरी उसकी वही रहेगी, इट इज नॉट डिप्लीटिंग, तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी. ठीक है, या फिर हाई स्टेट में वो क्या कर सकता है, इसके साथ एक और चीज है कि ये जो ये वेट करेगा ना, इसमें आपको आपकी मतलब इसके साथ दो चीजें लिखनी पड़ेगी, एक तो रिवॉर्ड दैट यू विल बी गिविंग. ठीक है, रिवॉर्ड दैट यू विल बी गिविंग, और एक उसकी स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के भाई वो इस स्टेट में जाएगा तो कितनी प्रोबेबिलिटी से जाएगा. सो ये वन प्रोबेबिलिटी से जाएगा, क्योंकि अगर वो वेट करेगा ना तो मतलब वो एक टाइम पे वेट ही कर सकता है, लाइक दिस इज ओनली वन थिंग. वो अगर वेट करना चाहता तो वेट ही कर. मैं आपको ये एक सेकंड में समझाता हूँ, ये जो वन क्यों रखा, और इसके साथ में वन रिवॉर्ड फॉर वेटिंग. सो आर वेट मैं इसको कहता हूँ, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट्स द रिवॉर्ड फॉर दिस, जीरो है मोस्टली, बट हम एक बार क्योंकि उसको कैन मिल सकता है ना गलती से वेट करने पे, सो वी डोंट नो व्हाट इज दैट. सेकंड जो इसमें एक्शन हो सकता है दैट इज टू सर्च. ठीक है, अब सर्च करेगा, अगर इसने सर्च वाला एक्शन चुना तो यहाँ पे दो चीजों में ये चीज है ना, दो चीजों में डिवाइड हो जाएगी. एक तो ये है कि सर्च करने के बाद उसको कैन इतना जल्दी मिल गया कि उसका बैटरी लेवल अभी भी हाई है. ठीक है, या फिर उसको कैन ढूंढने में इतना टाइम लग गया कि उसका बैटरी लेवल लो हो गया. सो ये मैं बाइफर्केशन बता रहा हूँ, अगर आप अगर वो वेट ही करता ना तो उसके पास घूम फिर के यही था, मतलब 100% वो हाई पे ही आएगा, दैट्स व्हाई हमने इसकी प्रोबेबिलिटी वन रखी है. तो जब भी हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम एक प्रॉब्लम को ऐसे डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, सर्कल्स में विल बी पुटिंग द स्टेट्स. ओके ऐसे जो हम ये लगा रहे हैं ये होंगे आपके एक्शंस के हिसाब से वो कौन सी स्टेट में जा रहा है, और इन सर्कल्स पे आपको बताना है कौन सा एक्शन है, उस एक्शन को लेने के बाद स्टेट में वापस जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है और क्या रिवॉर्ड मिल रहा है. ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं रख रहा हूँ मैं, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ. ठीक है, इसके बाद में क्या है, ये जो सर्च किया है तो यहाँ पे भी एक प्रोबेबिलिटी का इन्वॉल्वमेंट होगा, बिकॉज वी डोंट नो ना कैसे क्या काम होगा. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब हमारे पास इनफ अमाउंट ऑफ सैंपल्स होंगे तो वी विल बी एबल टू एस्टिमेट दीज प्रोबेबिलिटीज. बट अभी हम मान के चलते हैं कि अल्फा प्रोबेबिलिटी से तो ये वापस स्टेट में जाएगा, बिकॉज यू डोंट नो उसको कितना टाइम लगेगा, और एक रिवॉर्ड मिलेगा उसको. रिवॉर्ड क्या होगा, आर सर्च. ओके और जो इधर जो जाएगा ना इधर, वो बची हुई प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन माइनस अल्फा, रिवॉर्ड इज सेम, बिकॉज यू डोंट नो क्या रिवॉर्ड मिलेगा, इसलिए इसको आर सर्च बोल दिया है. ठीक है, ये वन माइनस अल्फा क्यों हुआ वो आप कमेंट में बताइए मेरे को. ठीक है, अगर आप लोगों को प्रोबेबिलिटीज क्लियर हैं तो कमेंट बताइए, अदरवाइज आई विल बी अपलोडिंग वीडियोज ऑन प्रोबेबिलिटीज ऑल्सो, बट कमेंट में बताइए. ओके मैं अगर किसी को सच में इस चीज में डाउट हो ना वन माइनस अल्फा में, वो प्लीज मेरे से कमेंट में बताइए, सो दैट आई शैल गेट अ डायरेक्शन कि आप लोग मतलब आप लोगों के बेसिक्स कहाँ तक हैं, क्योंकि फिर वो मैं आप लोगों की और अच्छे से मदद कर पाऊंगा ना, बिकॉज ऑल यू नो द मोटिव ऑफ स्टार्टिंग दिस चैनल इज टू हेल्प यू गाइज लर्न द बेसिक मैथमेटिक्स अबाउट AI मैथम और मशीन लर्निंग इन सब चीज़ों के अंदर. ठीक है, तो जब वो लो स्टेट में होगा वहाँ क्या क्या एक्शन हो सकते हैं, या तो वो रिचार्ज कर सकता है, तो रिचार्ज इज वन ऑफ द एक्शंस. अगर वो रिचार्ज करेगा
तो रिचार्ज के अलावा कुछ और नहीं करेगा, रिचार्ज करेगा तो हाई में जाएगा ही जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1, रिवॉर्ड 0, फिक्स है रिचार्ज करने पे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है इसको, 0 रिवॉर्ड है, एंड एक्शन इज रिचार्ज। इसके बाद में लाइक वन ऑफ द एक्शंस क्या हो सकता है, सर्च कर सकता है वो, सर्च कर सकता है, फिर वापस सर्च करने के बाद क्या पता बैटरी इतनी ज्यादा खत्म नहीं हुई हो, थोड़ा जल्दी मिल गया हो, 40 से 30 पे आ गया, स्टिल वो लो के अंदर ही आएगा, तो इसी स्टेट में आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी कह देते हैं बीटा और रिवॉर्ड सर्च, ठीक है। अब जब वो सर्च करेगा ना, तो ये भी पॉसिबल है कि उसकी बैटरी पूरी खत्म हो जाए, पूरी खत्म हो जाए, ठीक है। पूरी खत्म होने के बाद क्या होगा, उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा। रेस्क्यू करने के बाद जब भी वो जिंदा होगा, कब होगा, जब उसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, ठीक है, और चार्ज होने के बाद वो हाई स्टेट में आएगा। तो सर्च करते टाइम दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि वो हाई स्टेट में आ जाए। यहां हमें एक नेगेटिव रिवॉर्ड देना है, दैट इज -1, या फिर ज्यादा भी दे सकते हो आप, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी आप लोग बताइए अभी, मतलब दिस इज नॉट अ लाइव सेशन, बट जब मैं लाइव सेशंस करता हूँ ना, आई आस्क पीपल लाइक दिस। तो 1 - बीटा प्रोबेबिलिटी होगी, और रिवॉर्ड आप कुछ भी नेगेटिव दे सकते हैं, -3, -4, क्योंकि हमें एक बड़ा रिवॉर्ड देना है, मैं बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, उसमें -3 बता रखा है। तो क्योंकि हमने यहाँ बीटा दिया था, यहाँ 1 - बीटा देना, आप लोग मुझे कॉमेंट बताएंगे यहाँ पे 1 - बीटा क्यों दिया, यहाँ पे 1 - अल्फा क्यों दिया है। ओके सो गाइज, इस तरीके से, हाँ एक और चीज़ है, यहाँ पे अगर ये वेट करेगा ना, तो वापस लो में आ जाएगा, मतलब लो से लो में आएगा, वेट करने में कोई बैटरी खत्म नहीं हो रही। सो दिस एक्शन इज वेट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है इसके अंदर, 1, क्योंकि वेट करेगा तो वेट ही करेगा, और आर वेट इज द रिवॉर्ड जो यहाँ मिला था। सो गाइस, दिस इज हाउ वी मेक अ स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी रिवॉर्ड्स। और ये जो आप प्रोबेबिलिटीज देख रहे हैं ना, अल्फा 1 - अल्फा, बीटा 1 - बीटा 1, इन प्रोबेबिलिटीज को बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, कि अगर कोई इस स्टेट में कोई एक्शन लेता है तो वो किसी और स्टेट में किस प्रोबेबिलिटी से जाएगा, दैट इज स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। और यही प्रोबेबिलिटी को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका एजेंट एस्टिमेट करता है। यू नो मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट एस्टिमेटिंग फ्रॉम सैंपल टू पॉपुलेशन। ये मैं कभी वीडियो बनाऊंगा सैंपल पॉपुलेशन का, सो यू विल गेट टू नो अबाउट इट। या फिर अगर आप फिर डेटा साइंस मेंटरशिप में हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अबाउट द बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज आई टीच मशीन लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच विद द डीप मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस एंड एवरीथिंग। सो गाइज, दिस इज हाउ यू कैन मेक स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डायग्राम। और या सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दिस वॉज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वी आर planning forward about how we can solve real life problem using reinforcement learning. Yes, we are at a very basic state, but यहीं से सारे advanced चीज़ें शुरू होगी धीरे धीरे जब हम पढ़ते जाएंगे आगे, goals, rewards, discounted returns, इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, उसके अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इट्स बिट ऑफ अ लॉन्ग वीडियो, बट थैंक यू सो मच दैट यू आर बींग पेशेंट टिल गेट। गुड लक, गुड बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।